क्वेश्चन देखो मैं क्या दिया है, इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल नंबर्स सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू वाई माइनस वाई द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस टू वाई इज वॉट। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर ये माइनस फोर वाई को ना ये साइड लिखा जाए, प्लस फोर वाई इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस टू वाई माइनस वन द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पर है ना, मैं फोर वाई इंटू एक्स को ना टू इंटू ब्रैकेट टू एक्स वाई लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस फोर वाई इंटू वाई क्या आएगा, फोर वाई स्क्वेयर, इसको मैं टू वाई द होल स्क्वेयर लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस ये अपना जो एक्स माइनस टू वाई माइनस वन द होल स्क्वेयर था इसको ऐसे ही रखते हैं। एक चीज़ नोटिस करो, देखो ये ना ये किसका एक्सपेंशन है पता है, एक्स प्लस टू वाई द होल स्क्वेयर का एक्सपेंशन है। देखो एक्स प्लस टू वाई द होल स्क्वेयर का एक्सपेंशन क्या आता है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू टू वाई इंटू टू ना, तो टू इंटू टू एक्स वाई प्लस टू वाई द होल स्क्वेयर, तो वही तो है अपने पास, एक्स स्क्वेयर टू इंटू टू एक्स वाई एंड टू वाई स्क्वेयर। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरे के पूरे को ना एक्स प्लस टू वाई द होल स्क्वेयर से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये वाले इक्वेशन को लिखता हूँ, एक्स प्लस टू वाई द होल स्क्वेयर प्लस ये जो था अपने पास एक्स माइनस टू वाई माइनस वन द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। अभी देखो इसको मैं ए लेता हूँ एंड इसको मैं बी लेता हूँ, तो मुझे पता है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। उन्होंने हमें क्या दिया था, एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, दो रियल नंबर रहेंगे एंड उनका स्क्वेयर हमें जीरो लाना है। कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि ए स्क्वेयर ये कुछ पॉजिटिव आए और बी स्क्वेयर जो है वो नेगेटिव आए, फिर दोनों का अपन एडिशन करेंगे तो जीरो आएगा? इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर ए अगर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों भी रहे स्क्वेयर की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगी, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी जीरो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। एक केस में पॉसिबल है जब ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो, तभी हमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जीरो मिल सकता है। इसका मतलब है कि एक्स प्लस टू वाई द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो है एंड एक्स माइनस टू वाई माइनस वन द होल स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। हमें क्या पूछा है, एक्स माइनस टू वाई का वैल्यू पूछा है, और हमें क्या पता है कि ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो मैं इसको जीरो लेता हूँ, एक्स माइनस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू वन, और मुझे क्या चाहिए, एक्स माइनस टू वाई चाहिए, तो आंसर आ गया बी वन।